वेलकम स्टूडेंट बाल गोविंदम ई लर्निंग ऐप क्लास फोर्थ लेसन नंबर 5 मोर ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज़ इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट पर्पस। एमएस वर्ड एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, इसका यूज़ हम वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए करते हैं। एमएस वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस विच इंक्लूड मोर प्रोग्राम्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट अ वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस ऑफिस का पार्ट है एमएस वर्ड विच इंक्लूड मोर प्रोग्राम्स, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम इंक्लूड करता है फ्रॉम जस्ट वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड अलाउज अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड हमें अलाउ करता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको सेव करना एंड प्रिंट एनी नंबर ऑफ कॉपीज वी वॉन्ट, मतलब कि कॉपीज़ को प्रिंट करना जैसे भी हम अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी प्रिंट करना चाहें वैसे हम कर सकते हैं। वी कैन ओपन मेक चेंजेस एंड एडिट इट लेटर टाइम इन अ फ्यूचर। वी कैन ओपन, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको सेव किया है देन हम उसको ओपन भी करेंगे। ओपन करने के लिए भी हमें इसी का ही यूज़ करना होगा, मेक चेंजेस एंड एडिट इट, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर हमें कुछ ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। इट अलाउ द चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज टू आर्टिस्टिक लेटर। ये हमें अलाउ करता है फॉन्ट साइज को और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने में थ्रू द आर्टिस्टिक लेटर्स। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक कैन बी चेक्ड एंड करेक्ट इंस्टेंटली व्हाइल टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ना हमारे पास कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, जिसमें लाइक दैट स्पेलिंग रिलेटेड या फिर ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक हो ही जाती है, देन हम उसको भी वो इंडिकेट करता है एंड हम उससे चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड एनहेंस टू लुक द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग अ वेरियस ऑप्शन ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग। एमएस वर्ड हमें अलाउ करता है एनहेंस द लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट के लुक को, कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह शो करें, उसका बॉर्डर उसकी शेडिंग हम डिसाइड करते हैं। पिक्चर्स एंड इमेजेस कैन बी इंसर्टेड थ्रू क्लिप आर्ट एंड अदर एप्लीकेशन। पिक्चर और जो इमेजेस है वो भी हमें शो करता है, जिससे कि हम क्या करते हैं उसे क्लिप आर्ट के थ्रू हम इंसर्ट कर सकें। वी कैन इंसर्ट डाटा इन टेबल फॉर्मेट, डाटा को हम टेबल फॉर्मेट में इंसर्ट करते हैं। विंडोज़ मस्ट बी रनिंग आउट स्टार्ट एमएस वर्ड। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल अपीयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपीयर हो जाएगा हमारे सामने एंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल वन डॉक्यूमेंट वन अपीयर ऑन द स्क्रीन। जो डॉक्यूमेंट वन है हमारा वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। एन आइकन द प्रोग्राम अपीयर ऑन विंडो टास्क बार, और आइकन्स है जो हमें शो करने लग जाएंगे विंडो टास्क बार में। नेक्स्ट फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू द फाइल टैब इज मेन टैब इन वर्ड 2010, द राउंड एंड कलरफुल माइक्रोसॉफ्ट बटन इन ऑफिस 2007 हैज़ बीन रिप्लेस बाय फाइल टैब। 2010 का एक नया टॉपिक है फाइल टैब। फाइल टैब जिसे कि क्या है कि इसमें एक इसको 2007 से रिप्लेस किया गया है। वैन यू क्लिक फाइल टैब यू विल सी बैक स्टेज व्यू आपको शो करेगा, वेयर यू कैन मैनेज इन्फॉर्मेशन। आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं एंड सेव, शेयर, प्रिंट, प्रोटेक्ट एंड वर्क विद वर्जन इन्फॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप वन, क्लिक ऑन फाइल टैब। फाइल टैब पे हम जाएंगे। नेक्स्ट आफ्टर क्लिकिंग अ फाइल टैब बैक स्टेज व्यू विल अपीयर विच इज ऑर्गेनाइज इन 3 पैनल्स, जो कि 3 पैनल्स में अवेलेबल है। द फर्स्ट ऑफ द लेफ्ट पैनल इंक्लूड कमांड। लेफ्ट पैनल में हमें कमांड से रिलेटेड है एंड जो सेंट्रल लेवल जो अपना सेकंड लेवल है जो हमें क्या ऑप्शन पैनल्स हमें शो करता है रिलेटेड ऑप्शन ऑफ द थर्ड एंड थर्ड पैनल और राइट पैनल डिस्प्ले एडिशनल ऑप्शन, जो कि हमें एडिशनल ऑप्शन शो करता है। लाइक व्हेन यू क्लिक ऑन अ प्रिंट इन फर्स्ट पैनल, आप फर्स्ट पैनल में क्लिक प्रिंट पे क्लिक करते हैं देन सेकेंड पैनल पे आपको प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन शो करेंगे एंड राइट पैनल पे हमें क्या होगा कि डिस्प्ले में जो हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसका हमें प्रीव्यू शो करेगा। इट विल अपीयर प्रिंट दिस वे द बैक स्टेज व्यू सिंप्लीफाई द प्रिंट प्रोसेस, मतलब जो बैक स्टेज व्यू है वो हमें सिंप्लीफाई कर रहा है कि बैक स्टेज व्यू में हमारे प्रिंट का ऑप्शन चल रहा है। प्रिंट प्रोसेस इन वन स्टेप सो दैट यू कैन प्रीव्यू एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। फॉर सेकेंड स्टेप, स्टेप क्लिक ऑन द कमांड यू वॉन्ट टू यूज़। इन एग्जाम्पल यू कैन सी अ बैक स्टेज व्यू इन द 3 पैनल्स, फर्स्ट
पैनल शो कमांड, सेकंड पैनल शो रिलेटेड ऑप्शन, थर्ड पैनल एडिशनल ऑप्शन और प्रीव्यू ऑप्शन, जिससे कि हम कुछ देख सकते हैं प्रिंट करने से पहले। स्टार्ट अ न्यू फाइल, यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल्स, हम नई फाइल को क्रिएट करते हैं। वैन एवर यू वॉन्ट टू ऐड, जब भी आप चाहें कि आपको उसमें कुछ नया डाटा ऐड करना है टू वर्ड प्रोग्राम, यू डू नॉट नीड टू क्लोज एंड रीओपन वर्ड टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको वापस को क्लोज करना पड़ेगा या ओपन करना पड़ेगा ये नए डॉक्यूमेंट के साथ में। वर्ड स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट क्लिक फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू अपीयर, क्लिक ऑन न्यू बटन, क्लिक ऑन एनी ऑप्शन इन द टेम्पलेट, हमें टेम्पलेट चूज करना होगा। सैम्पल व्यू फॉर सेलेक्टेड अपीयर्स इन दिस एरिया, क्लिक क्रिएट। ओपनिंग एंड सेव डॉक्यूमेंट, जब हम एमएस वर्ड में फाइल क्रिएट करते हैं आफ्टर देन उसको सेव करते हैं, तो सेव हम इसीलिए करते हैं कि हमें बाद में इसका यूज़ कर सकें। यू कैन ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट टू व्यू अ डॉक्यूमेंट इन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन ओपन और सेव डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को सेव और ओपन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए। दिस अलाउ यू मेक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, और इसके साथ हम इस पर कुछ अगर हमें चेंजेस करना है तो वो भी हमें अलाउ करता है। स्टेप वन, क्लिक ऑन फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन ओपन बटन, रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट अपीयर ऑन द फाइल मेन्यू एंड यू कैन क्लिक ऑफ दीज डॉक्यूमेंट ओपन दैम, देन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ऑन दीज एरिया, नेविगेट द फोल्डर ड्राइव वेयर यू स्टोर्ड, मतलब कि हमें ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पर जो फाइल सेव की है वो हमारी हमें कौन से फोल्डर में सेव की है। क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन, उस फाइल पर हमें क्लिक करना पड़ेगा जिसे हमें ओपन करना है, क्लिक ओपन बटन, दिस फाइल द फाइल ओपन एंड प्रोग्राम इन द प्रोग्राम विंडो।